स्वागत है आप सभी का मेरी बाली की ट्रैवल सीरीज में। और ये ट्रिप मैंने प्लान करी थी अपनी मदर के साथ में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। डे वन पे हमने क्या स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग, GW के स्टैच्यू गए और बहुत सारे मज़े करे। डे टू पे कुछ ऐसी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी जो शायद बाली टाइप करते ही। सबसे ऊपर जो आपको तस्वीरें दिखाई देती है जैसे कि बाली स्विंग, यहाँ की पॉपुलर कॉपी लुआ कॉफी, इनके राइस टेरेस, कुछ लोकल इंटरेक्शन और उसके साथ थोड़ा सा देसी खाना। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज है मेरा दूसरा दिन बाली में और आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप ये पूरा जो प्लान है इसको अपने पेरेंट्स के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। द बाली स्विंग। बाली स्विंग का सीन ऐसा है कि ये आपको पैकेज बेचते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल नहीं होते हैं। यानी कि अगर आप इन्हें कहें कि यार मुझे इसमें से खाना हटा दो या फिर एसेसरी हटा दो तो उसका दाम कम नहीं होता है। तो इनके 4,000 रुपये के पैकेज में इंक्लूडेड था ये एक बहुत ही एवरेज खाना, इनका ड्रेस, एसेसरीज और आपके मोबाइल से आप ही के साथ आए हुए लोग जो आपकी तस्वीर लेंगे वो एडिट था। अब जब मैंने ये अलग अलग जगह पे जो कैमरा पर्सन थे इन्हें अपना मोबाइल दिया कि ज़रा हमारी भी तस्वीर ले लो, तो उन्होंने बदमाशी ये करी कि अपने कैमरे से अच्छी अच्छी तस्वीरें ले ली और मेरे फ़ोन से ठीक से तस्वीरें नहीं ली। तो एंड में मजबूर होकर मुझे 1,000 रुपये दे करके उनके कैमरे से ली गई फ़ोटोज़ लेनी पड़ी, क्योंकि आधा दिन वेस्ट करके मतलब आप कम अच्छी तस्वीरों के साथ तो नहीं गुजारा कर पाओगे। ओके, तो हो गया हमारा 1.5 घंटे का बहुत ही टूरिस्टी है। अगर आप सच में फ़ोटोग्राफ्स वगैरह के शौकीन हैं और आपके पेरेंट्स इतना पेशेंस रख सकते हैं तो आप आइए, क्योंकि बहुत सारा सीढ़ियाँ वगैरह है यहाँ पे, तो वो चढ़ना उतरना शायद उनके लिए एफर्ट हो सकता है। बट सुंदर है जैसे बाकी जगह पर होती है। जैसे वियतनाम भी मुझे याद आता है मैंने सिमिलर किया था, चाइना में बहुत सारी जगह किया था, तो इट्स सिमिलर लाइक दैट। बट बहुत ज़्यादा टूरिस्टी है, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, हर जगह लाइन है वगैरह वगैरह। तो ये था बाली स्विंग। इसके अलावा मैंने 2-3 स्विंग और भी एक्सप्लोर करे, बट वहाँ पे इतने ड्रेस ऑप्शन नहीं है या फिर इतने सारे व्यू नहीं है इतना ज़्यादा अच्छा। सो ये बोलते हैं इसको द ओरिजिनल बाली स्विंग। तो देन आई स्टिल रिकमेंड कि अगर आप करना ही है तो आप यहाँ पे आइए। बहुत सारे जो दूसरी जगह पे है वहाँ पे 5-10 रुपये बच जाएंगे, बट उतना मज़ा नहीं आएगा। तो ये थी एकुजा एक्सप्रेस बाली स्विंग से। तो 4 घंटे लगभग ये बाली स्विंग का एक्सपीरियंस करा है और फिर वहाँ से मैं निकल पड़ी मेरी फेवरेट चीज़ करने, जो कि है कॉफ़ी पीने के लिए। तो बाली स्विंग के बाद अब मैं आ गई हूँ कॉफ़ी का प्लांटेशन देखने के लिए और उसके साथ ही में जो राइस टेरेस है वो मैं विजिट करने वाली हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं बाली इंडोनेशिया, जहाँ की कॉफ़ी शायद हर देश में मिलती है जो हम सेवर करते हैं। तो बाली में जा कर के देखते हैं कि यहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन कैसा होता है। देखिए, वैसे तो इंडोनेशिया अपने यहाँ उगाई जाने वाली सभी कॉफ़ीज़ के लिए पॉपुलर है, लेकिन जो सबसे यूनिक है यहाँ की वो है कॉफी लुआक। इसे दुनिया की शायद सबसे ज़्यादा महंगी कॉफ़ी कहा जाता है। तो बेसिकली फंडा ये है कि ये जो गिलहरी बिल्ली जैसे भी दिखने वाली ये जो सिविट कैट है, ये जंगल में उगने वाली कॉफ़ी चेरीज को खा करके उसे अपने पूप में निकालती थी और कुछ लोग उसे वॉश करके उसको ब्रू करके पी लेते थे। तो फंडा ये है कि ये जो कैट है ये कॉफ़ी चेरीज खाती है, फिर अपने पूप में उसे निकालती है, फिर ये उसे वॉश करके प्रोसेस करके उसकी कॉफ़ी बनाते हैं और आपको पिलाते हैं। और मैंने पी ये कॉफ़ी, देखिए। Look, will be, the finale will become like this. Luwak coffee. You can smell it. Oh, doesn't smell like poop. Right. But it has some earthy, like earthy flavor. And then here we have some spices. Yeah, these are familiar spices. So the spices in Bali we use for cooking: ginger, turmeric, mangosteen, lemongrass. Okay, so this is with parchment. Yeah. And this is like already after. This is also dried. Yeah, dried. Okay, so this is the ground luwak coffee. Smells like coffee only.
ये एक्सपीरियंस ऑनेस्टली मुझे अपने पूरी बाली की ट्रिप में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, लगभग 250-300 रुपये जो कि मैंने स्पेंड करी है कॉफ़ी ऑर्डर करने के लिए, एक कप। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे यहाँ की ऑर्गेनिक टीज और अलग अलग चीज़ें के सैम्पल दिए, जो कि सैम्पल साइज़ भी काफ़ी डिसेंट है, वो सब फ्री था, इनका टूर फ्री था, और ऑनेस्टली बहुत अच्छे से उन्होंने रिसीव करा। और पूरा जो कॉफ़ी को कैसे ये लोकली रोस्ट करते हैं, ब्रू करते हैं, वो पूरा प्रोसेस बहुत तसल्ली से समझाया, तो मुझे तो बड़ा आया। ओके, तो मैं ट्राई करने वाली हूँ कोपिलुआ कॉफी, जो कि कैट पूप, सिविट पूप या फिर एक बिल्ली की पॉटी से बनती है। और मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया, अब ये कॉफ़ी जो है वो बन के आ चुकी है और ये दिखने में ऐसी है ऑनेस्टली। सो इस कॉफ़ी का दाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने लुआक कॉफ़ी, और चलिए ट्राई करते हैं। बेसिकली इन्होंने पोर ओवर मेथड से बनाया है, जो कि ऑनेस्टली बहुत ही एवरेज कॉफ़ी लग रही है इसका। अभी जो क्योंकि प्लांटेशन वाले लोग हैं तो वो तो ऑफकोर्स इसकी तारीफ़ करेंगे, तो बता रहे थे कि इसमें कैफीन कम होता है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्योंकि सिविट कैट जो है उसको पता है कि सबसे अच्छी कॉफ़ी कौन सी है। जैसे हमारे गाँव में बोलते हैं ना कि तोता जो अमरूद खाता है वो अमरूद मीठा होता है, तो वैसे ही बिल्ली जो कॉफ़ी चेरी खाती है वो सबसे अच्छी चेरी होती है, तो इसलिए ये कॉफ़ी का जो दाम है वो इतना ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी, कितना इतना छोटा सा कप इन्होंने ट्राई करने के लिए दिया है। इसके अलावा ये इन्होंने मुझे दिया है एक फ्री सैम्पल, तो यहाँ पे अलग अलग तरह की चाय इन्होंने दी है, मैंगो स्टीन, रोज़ेला, कोकोनट, बहुत सारे सैम्पल है। तो आई सजेस्ट पहले आप ये सारे सैम्पल ट्राई कर सकते हैं, फिर इसमें से जो आपको पसंद आ रहा है वो ऑर्डर कर सकते हैं, बट लुआ कॉफ़ी का आपको सैम्पल नहीं मिलेगा तो आपको ख़रीदना पड़ेगा। ओके, तो आप यहाँ पे कॉफ़ी पी नहीं सकते, उसके प्लांट्स भी देख सकते हैं। तो मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं ये एक टिपिकली कॉफ़ी का ट्री है, और ये जो आप देख रहे हैं ये कॉफ़ी की चेरीज है। तो बेसिकली इसको पिक करते हैं, फिर वो जो कैट है वो ये चेरीज खाती है बेसिकली, और फिर उसके बाद उसकी कॉफ़ी बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कुछ इस तरह से लाल हो गए हैं, बेसिकली ये लाल वाली जो होती है वो खाती है कैट। बाली में बहुत सारी लोकेशंस पे राइस टेरेस है जो कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो शायद इनका सबसे पॉपुलर राइस टेरेस है वो है तेगालालंग राइस टेरेस उबुद वाले एरिया में। शाम के समय अगर आप चिल करना चाहते हैं कि दिन भर घूम लिया और शाम को रिलैक्स करना है, किसी कैफे में बैठ के चिल करना है, तो उसके लिए बहुत अप्रोप्रिएट जगह है। ओके, तो ये है मेरे पीछे बाली का राइस टेरेस। यहाँ पे कुछ 10K पर पर्सन आपको यहाँ पे तस्वीर खींचने के लिए भी देना होता है, काफ़ी सुंदर है। और चलिए नीचे चल के दिखाती हूँ आपको कैसा है। टिकट बहुत सस्ता है यहाँ का बाली के हिसाब से, कुछ 100 रुपये के आसपास एंट्री टिकट है। और करने के लिए क्या है, यहाँ पे कैफेज है, उसमें बैठ जाओ, राइस टेरेस में घूमना है, चढ़ना उतरना है तो वो कर सकते हो। बहुत सारे लोकेशंस पे वो फोटो स्पॉट्स है, दिल में फ़ोटो खिंचा लो, वो बाली स्विंग बहुत सारे लगा रखे हैं तो राइस टेरेस में झूला झूल लो, उस तरह से बना हुआ है पूरा। लेकिन मतलब चिल करने वाली जगह है कि हाँ बैठो और मज़े लो, वो वाली जगह बहुत सुंदर है। ओके, तो राइस फील्ड इतना ही था, ऊपर चढ़ा नीचे उतरा, जैसे अपने हिंदुस्तान में राइस फील्ड होते हैं वैसा ही है। कुछ 250 रुपये दो लोगों का टिकट था तो अफोर्डेबल है, कर सकते हो, मतलब आना चाहिए, वाइब इज़ गुड, अंदर जाके बैठो खेतों वगैरह में। और यहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारे बाली स्विंग है, हर जगह एक झूला लगा रखा है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस हुआ, हमें यहाँ पे ये मैम मिले जो ऐसे ही उन्होंने बातचीत करना स्टार्ट किया और डांस वांस करने लगे, तो ये पार्ट मुझे अपने ट्रैवल का सबसे मज़ेदार लगता है, जहाँ पे टूरिस्टी लोकेशन को विजिट करने के अलावा जब आप किसी लोकल के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हो तो शायद वो सबसे यादगार चीज़ होती है आपकी ट्रिप की। Dancer, dancer. Hey, come on. Dancer India. Happy birthday to you. Yay! Hey, happy birthday. Thank you.
अब दिन भर घूमने के बाद में हमने सोचा कि पेट भर के खाना खाते हैं और हम गए नई दिल्ली रेस्टोरेंट में। ओके, तो मैं खाने आई हूँ एकदम शुद्ध शाकाहारी खाना यहाँ पे। अगर आप पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं और वो वेजिटेरियन है और हिंदुस्तानी खाना खाना चाहते हैं, तो ये उबुद में एक जगह है, न्यू दिल्ली इंडिया रेस्टोरेंट। तो मैंने ऑर्डर करा है एक आलू नान, पनीर की सब्जी और उसके साथ आपकी नॉर्मल घर की जो चपाती होती है तो वो आप, और उसके साथ देखिए ये हरी चटनी, प्याज, एकदम आपको घर की याद नहीं आने देंगे, वैसा वाला खाना है, तो यहाँ ज़रूर आइए। तो इसी के साथ हमारा डे 2 ख़त्म हुआ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर द डे 3 विथ यू।